माय फर्स्ट ब्लॉग वीडियो वायरल कैसे करें। जी हाँ दोस्त, अभी से पहले आपने यूट्यूब पर बहुत सारे इस टॉपिक ऊपर वीडियो को देखे होंगे, बहुत बड़े बड़े क्रिएटर्स के वीडियो को देखे होंगे। वहां पर आपको बताया गया होगा कि इस तरह से आप थंबनेल बनाइए, इस तरह से टाइटल लिखिए, इस तरह से आप डिस्क्रिप्शन को लिखिए, इस तरह से आप टेक्स्ट को लिखिए, फिर इसके बाद आप अपने वीडियो को अपलोड कीजिए, बिल्कुल आपका माई फर्स्ट ब्लॉग वीडियो वायरल हो जाएगा। ठीक है ना, उस चीज़ों को देखने के बाद दोस्त आपने भी अपने माई फर्स्ट ब्लॉग वीडियो में अप्लाई किए होंगे, सब कुछ आपने कर लिए होंगे। ठीक है ना, आपने काफी वीडियो भी अपलोड करके देखे होंगे, लेकिन दोस्त एक भी ट्रिक आपके वीडियो में काम नहीं किया होगा। और फिर दोस्त कहीं ना कहीं आप अपने किस्मत को कोस रहे होंगे कि लगता है अपना किस्मत ही खराब है, सबका तो भैया वायरल हो रहा है लेकिन अपना एक भी माय फर्स्ट ब्लॉग वीडियो वायरल नहीं हो रहा है। ठीक है ना, तो कहीं ना कहीं दोस्त आप अपने किस्मत को कोस रहे हैं, तो किस्मत को कोसना बंद कीजिए, क्योंकि दोस्त आपने डिसाइड कर लिया है कि हमें यूट्यूब पे आना है, हमें ब्लॉगिंग करना है और अपने माय फर्स्ट ब्लॉग वीडियो को वायरल करवाना है। तब दोस्त यहाँ पर आपको थोड़ा सा दाव पेच खेलना होगा। जी हाँ दोस्त, यहाँ पर आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना होगा। तो जो हम आपको आज बताने जा रहे हैं दोस्त, आप ध्यान से सुन लीजिए, समझ लीजिए, बिल्कुल दोस्त आपका भी माय फर्स्ट ब्लॉग वीडियो वायरल जा सकता है। मैं आपको पूरा यहाँ कंफर्म नहीं करूंगा कि जाएगा ही जाएगा, लेकिन अगर आप सही तरीके से समझ लेते हैं तो बिल्कुल दोस्त वायरल जाएगा, हमें लगता है कि जाएगा। ठीक है ना, तो सब कुछ हम आपको बताते हैं किस तरह से आपको काम करना है। तो देखिए दोस्त, पहले के ट्रेंड क्या था आपको पता होगा। तो अभी से पहले दोस्त आप ब्लॉगिंग वाला थोड़ा वीडियो देखेंगे जाके, तो वहां पे पहले कैसे था कि स्कूल जाते समय ब्लॉगिंग वीडियो बनाया, वो भी वायरल हो रहा था, और कुछ लोग साइकिल से उतर उतर के जो ब्लॉगिंग बना रहे थे वीडियो, वो भी वीडियो काफी चला आपको पता होगा। साइकिल से उतरने के बाद अपना ब्लॉगिंग शुरू करते थे, या तो किधरों से मतलब कि दौड़ के आते थे, उसके बाद कैमरा के सामने आके बताते थे इस तरह से मेरा फर्स्ट ब्लॉग वीडियो है। मतलब आपको पता होगा, मैं आपको बता रहा हूँ कि इस तरह से पहले वाला था। ठीक है ना, उसके बाद दोस्त फिर से एक नया आया कि कुछ लोग फिर उसके बाद भगवान को याद करने लगे कि हे भगवान मेरा वीडियो वायरल करा दे, मोटचूर के लड्डू चढ़ाऊंगा। तो भी बहुत सारा चला, बहुत सारे लोगों का वीडियो वायरल हुआ। ठीक ना, उसके बाद दोस्त आया क्या, खेत वाला। खेत में कुछ लोग जाके वीडियो बनाना शुरू किए और वहां से दोस्त माय फर्स्ट ब्लॉग खेत वाला भी बहुत ज्यादा ट्रेंड में चला, और खेत से भी बहुत अच्छे खासे माय फर्स्ट ब्लॉग वीडियो वायरल हुए और अभी भी बहुत सारे लोग का वायरल हो रहा है। ठीक ना, और बहुत सारे तो निगेटिव थंबनेल भी लगा के माय फर्स्ट ब्लॉग वीडियो को वायरल अभी करवा रहे हैं। तो मैं आपको उस तरह के कोई भी सजेशन नहीं देने वाला हूँ। ठीक ना, तब दोस्त अब यहाँ पर आपको बिल्कुल कुछ नया करना है, क्योंकि जो अब खेत वाला ट्रेंड है कमते जा रहा है। अब आप खेत में जा जाके वीडियो को कितना तक बनाएगा दोस्त, आपने 10-5 तो बना ही दिए होंगे, उससे कम तो बनाए नहीं होंगे। ठीक है ना, तब आप इसे छोड़िए, थोड़ा कुछ अलग कीजिए। अब आप कहोगे तो भाई अलग क्या करें, तो अलग करने के लिए थोड़ा सा यहाँ पर आपको मेरे जैसा सोचना होगा। ठीक है ना, तो देखिए दोस्त, आप सबसे पहले अपने गांव के उस लोकेशन को सेट कीजिए जहाँ की आपको वीडियो को बनाना है। ठीक है ना, एकदम शानदार लोकेशन होना चाहिए, या तो आप नदी किनारे जाकर बना सकते हैं, तालाब किनारे जाकर बना सकते हैं, क्योंकि तालाब वाला भी वीडियो बहुत ज्यादा वायरल होता है। ठीक है ना, या तो दोस्त अभी चल रहा दशहरा पूजा, आपको पता होगा, जो कि प्लस पॉइंट आपके लिए है, आप तो शहर में जाके माय फर्स्ट ब्लॉग वीडियो को शूट कर सकते हैं। ठीक है ना, आपको पता होगा दशहरा शुरू होने जा रहा है, बहुत ही भव्य भव्य मंदिर बनते हैं, मतलब कि पंडाल बनते हैं, और वहां पे दोस्त आप जाके माय फर्स्ट ब्लॉग वीडियो को शूट कर सकते हैं। दशहरा का थोड़ा मेला भी लोगों को दिखा सकते हैं कि इस तरह से हमारे एरिया में मतलब मंदिर बना है, पंडाल बना है, और इस तरह से हमारी माँ दुर्गा यहाँ पे बैठी हुई है, इस तरह से मतलब आप दिखा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब बहुत सारे भाई ये भी बोलेंगे कि भाई गाँव में तो सही से बोल ही नहीं पाते हैं, शहर में किस तरह से बोलेंगे। तो देखो भाई, सोच के देखो, मान के चलो कि अगर आपका खेत से ही माय फर्स्ट ब्लॉग वीडियो वायरल हो जाता है, तो क्या आप शहर में उस समय जाके ब्लॉग वीडियो को शूट नहीं करेंगे? तो बिल्कुल शूट करेंगे। ठीक है ना, बिल्कुल दोस्त वहां पे बनाएंगे भी। तो दोस्त आप मान लीजिए कि आपका ब्लॉग वीडियो वायरल हो चुका है, कहीं पे भी आप बनाइए, लोगों को मतलब लोग क्या सोच रहे भैया, उससे आपको कोई मतलब नहीं होना चाहिए। अगर आपने डिसाइड कर ही लिया कि मैं ब्लॉगिंग करना है, तो भैया ब्लॉगिंग के लिए आपको तो मार्केट में आना ही पड़ेगा। ठीक है ना, तो दोस्त आप थोड़ा सा यहाँ पे बातों को समझिए, थोड़ा सा जाइए अपने शहर के दोस्त वहाँ पे पंडाल में, वहाँ पे शूट कीजिए, कुछ लोग को अच्छा दिखाइए और कुछ हट के दिखाइए, क्योंकि लोग यहाँ पे बोर हो चुके हैं खेत देख देख के, और सबका भैया खेत वाला वीडियो वायरल अब नहीं होगा। ठीक है ना, जिनका हो रहा है लेकिन दोस्त सबका नहीं होगा, तो थोड़ा सा यहाँ पर आपको हट के काम करना होगा। ठीक है ना, थोड़ा सा गला खराब है जिस वजह से दोस्त आपको आवाज़ भी भारी लग रहा होगा, ठीक है, तो माफ कीजिएगा, लेकिन थोड़ा सा दोस्त यहाँ पर आपको एडवांस दिमाग लगाना होगा, दाव पेच खेलना होगा, और थंबनेल को दोस्त आपको पूरा दम बनाना है बढ़िया तरीका से, शानदार दोस्त आपको लिखना है वहाँ पे कीवर्ड को, और कुछ आप मतलब कि भगवान को याद करते हुए थंबनेल बना सकते हैं कि हे दुर्गा माँ मेरी वीडियो को वायरल करा दे इस तरह से दम, और मैं 2 किलो लड्डू चढ़ाऊंगा या नारियल फोड़ूंगा, इस तरह से आप थंबनेल बना सकते हैं, काफी झकास थंबनेल बनेगा। ठीक है ना, तो थोड़ा सा आप दिमाग लगाइए, थंबनेल को यूनिक बनाने की कोशिश कीजिए, क्योंकि दोस्त अगर आपका थंबनेल यूनिक बन जाता है, हट के बन जाता है, तो दोस्त आपका भी वीडियो वायरल जा सकता है। अगर ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तब चलिए दोस्त, हम आपसे नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए, सुरक्षित रहिए। चलिए, जय हिंद, वंदे मातरम।